हेलो गाइस, आई एम विकेश। वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, बिना नंबर सिस्टम के मैथमेटिकल एनालिसिस को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को अगर मैथमेटिकल तौर पे एनालिसिस करना है तो नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ए नंबर इज द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, लेबल एंड मेजर। बेसिक तौर पर अगर बेसिकली यूजेस अगर हम समझते हैं बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो क्या बोल सकते हैं, नंबर इज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज काउंट, लेबल एंड मेजर। पॉली पॉइंट, आपने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारे चीजें पढ़ी होगी। सबसे पहले हम उन्हीं चीजों को रिव्यू करेंगे क्विकली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग, जो काउंटिंग में यूज आता है वो नेचुरल नंबर होता है। डेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो कौन सा होता है, 1 होता है। बट वी कैन नॉट फाइंड दैट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लेकिन जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि जितना नेचुरल नंबर होता है उसके अगला नंबर भी नेचुरल ही होगा, एक नेचुरल नंबर का नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर ही है। एज सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। इसके कलेक्शन को एन से डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर को डिनोटेड करना है तो कैपिटल एन से करते हैं, ठीक है। लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो नेक्स्ट आता है इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, होल नंबर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम होल नंबर समझते हैं। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम होल नंबर। जो नेचुरल नंबर है अगर वो जीरो से स्टार्ट होता है तो वो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1 एंड होल नंबर स्टार्ट विथ 0, यही डिफरेंसेज है दोनों में। डेट इज काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 आर नॉन एज होल नंबर। काउंटिंग नंबर अगर 0 से स्टार्ट करते हैं या 0 उसमें इंक्लूड कर देते हैं काउंटिंग नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बट देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। सेम फिनोमिना है, जो नेचुरल नंबर है उसका स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है और होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है, लेकिन उसका भी कोई लार्ज नंबर नहीं होता, इसका भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाई डब्लू कैपिटल। तो कैपिटल डब्लू से इसको डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकता है, ये हो गया होल नंबर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको जिक्र करते हैं। अब आएगा तो इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में जिस तरह से हमने होल नंबर में देखा कि नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, उसी होल नंबर में अगर निगेटिव काउंटिंग नंबर यानी निगेटिव काउंटिंग नंबर भी ऐड कर देते हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर भी ऐड कर देते हैं, तो वो इंटीजर्स कहला जाता है। आप बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर डेट इज पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाई जेड और कैपिटल आई, दोनों से इसको डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। जेड से भी डिनोट कर सकते हैं और आई से भी डिनोट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1, होल नंबर स्टार्ट विथ
जीरो। तो उसी तरह इंटीजर्स जो है वो निगेटिव में भी कुछ भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी कुछ भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस सिंपली है। ओके, लाइक अगर देखते हैं माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कुछ भी, ठीक है। इधर निगेटिव में भी कितना भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी कितना भी जा सकता है, ये इंटीजर्स है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो इंटीजर्स जीरो से छोटा हो उसको निगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, जो इंटीजर्स जीरो से बड़ा हो उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जो जीरो से छोटा हो निगेटिव, जो जीरो से बड़ा हो पॉजिटिव। रेशनल नंबर, इंटीजर्स के बाद आते हैं रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, आर नॉन एज रेशनल नंबर। तो हमने देखा कि जो भी नेचुरल नंबर्स था वो सिंपली फ्रैक्शन में नहीं था, होल नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इंटीजर्स भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है। कहने का मतलब ये है, आप नेचुरल नंबर को भी फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, टू है तो टू बाई वन फ्रैक्शन में हो गया कि नहीं, लेकिन वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, वो पूरी तरह से एक नंबर से। अगर रेशनल नंबर को देखा जाए तो ये फ्रैक्शन में होता है ज़्यादातर, ऐसे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सभी रेशनल नंबर है। आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे है। तो रेशनल नंबर क्या है कि ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा वो रेशनल नंबर है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्लियर है। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, तो रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक एग्जांपल देखें, जीरो बाई वन, जीरो बाई वन इजक्वल टू जीरो, जीरो भी रेशनल नंबर है। माइनस वन बाई टू निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्री बाई टू, फोर बाई ट्वेल्व, फाइव बाई ट्वेल्व, थ्री बाई वन, थ्री बाई वन मीन्स थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। जो भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर है। तो एक फ्लो चार्ट से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रियल नंबर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये नंबर है, पूरा ये सर्कल जो भी है, पैराबोलिक जैसा भी हो, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब जो वास्तविक में नंबर अस्तित्व में है वो रियल नंबर है, ये नंबर है। इसके अंदर बेसिकली दो नंबर आते हैं, एक आता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में है, रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन, जिसका प्रॉपर रूट नहीं होता हो वो इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। उसके अंदर आता है दूसरा रेशनल नंबर, आपको पता है रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये रेशनल नंबर हो गया। अगर रेशनल नंबर में दो चीजें होती है, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है लाइक वन बाई टू, टू बाई थ्री, माइनस थ्री बाई फोर, जो भी हो ये भी रेशनल है। और इसके अलावा जो होता है वो माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, जो बेसिक तौर पे डेसिमल्स में नहीं आते हैं वो हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं ना, इंटीजर्स हो गया। तो रेशनल नंबर के अंदर में कौन सा है, इंटीजर्स है। और इंटीजर्स में दोनों चीजें आ रही है, निगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है। तो इसको निगेटिव वाले को अगर छोड़ देंगे, जीरो, वन, टू, ये सब ले लेंगे, जीरो से शुरू करेंगे, निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, तो वो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो बोल सकते हैं कि जितना भी होल नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर में आ रहा है, क्लियर है। अब होल नंबर हो गया, अब होल नंबर में अगर जीरो छोड़ देंगे तो नेचुरल सिर्फ जो वन से शुरू होगा, जो पॉजिटिव टर्म से, जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। तो यहां ले अगर वन टू लेते हैं
तो ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, दो तीन पॉइंट्स आप समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट ये हो सकता है कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। सारा नेचुरल नंबर कौन सा नंबर है, होल नंबर है। पहली पॉइंट होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, जितना भी होल नंबर है ठीक है जीरो को छोड़ के वो नेचुरल है। सारे होल नंबर क्या है, नेचुरल है जीरो को छोड़ के। ठीक है, जीरो जो है वो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल कहां से होगा, वन टू थ्री से। ओके, इसके बाद पॉइंट आता है कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। वो कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर में ही नेचुरल नंबर आ रहा है। ये भी बोल सकते हैं होल नंबर भी वो क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, जो जीरो है नहीं तो निगेटिव है नहीं पॉजिटिव है। ये भी बोल सकते हैं कि जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जीरो एक रेशनल नंबर भी है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर है और इंटीजर के अंदर होल नंबर है, होल नंबर में जीरो आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, इंटीजर्स है। जीरो क्या है, होल नंबर है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना भी इंटीजर्स होता है वो रेशनल नंबर होता ही होता है, क्योंकि कोई भी इंटीजर्स है, माइनस थ्री हो या माइनस टू हो या जीरो हो या वन हो या टू हो, कुछ नहीं होते हुए फ्रैक्शन में वन तो है ही, तो ये भी तो फ्रैक्शन में आ गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, देयर आर इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिव ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर हो सकता है, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर है पॉइंट, तो आगे के वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन कौन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।